नमस्कार मित्रों, ज्ञान विकास चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं पाठ्य सामग्री लेकर उपस्थित हुई हूँ जो पठन पाठन में अवश्य सहायक होगी। यह सामग्री विशेषकर BU सेकेंड सेम BCA हिंदी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। छात्र इस प्रारूप का अनुसरण उत्तर लिखने के लिए कर सकते हैं। कविता का नाम है भारत माता, कवि सुमित्रा नंदन पंत है। पाठ्य सामग्री इस प्रकार है: कवि परिचय, कविता का सारांश, एक अंकीय प्रश्नावली, ससंदर्भ व्याख्या, विशेषता, शब्दार्थ एवं टिप्पणी। सर्वप्रथम हम कवि परिचय पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन काल सन 1900 से लेकर सन 1977 रहा। कवि का जन्म अल्मोड़ा जिले में हुआ। आपने अपनी पढ़ाई लिखाई स्वतंत्र रूप से की। आप छायावादी कवि हैं। प्रकृति प्रेम आपके साहित्य में झलकता है। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। भाषा में कोमलता, कलात्मकता है। समाज के बंधनों का विद्रोह काव्य में है। कविता, नाटक और कहानियों के द्वारा हिंदी साहित्य को आपने समृद्ध किया है। अब हम कविता के सारांश की ओर बढ़ते हैं। कवि का कोमल मन गाँव की स्थिति देखकर दुखी होता है और भारत माता से कहते हैं, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सुंदर रूप तो गांव में, खेतों में, खलिहानों में दिखता है माँ, लेकिन हे ग्रामवासिनी माँ, तुम्हारा शस्य श्यामल आंचल आज धूल धूसरित हो गया है। खेतों में हरियाली के स्थान पर अंधेरा छाया है। गंगा यमुना पवित्र नदियों का पानी तुम्हारे दुख के आंसू बन गए हैं और मिट्टी के कण कण में जो तुम बसती हो माँ, तुम्हारी वह मूर्ति आज उदास हो गई है। चारों ओर गरीबी फैली है और गरीबी के इस अंधेरे में तुम्हारे ग्रामवासी बच्चे अपलक हो गए हैं। उनकी आँखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। युगों से अंधकार फैला है, मन उससे टूट चुका है उनका। वे अपने ही घर में जैसे मेहमान बन गए हैं। तुम्हारे लगभग 30 करोड़ बच्चों का जीवन अभावों में है, जो नंगे हैं, विक्षिप्त से हो गए हैं, उनका शोषण हो रहा है। शिक्षा के अभाव में मूर्ख, असभ्य और गरीब से सर झुकाए खड़े हैं वे। गांवों में बसने वाली माँ, अपने बच्चों की सुध लो। सोने के जैसे लहलहाने वाली पकी फसलें जो जिससे गर्व होता था भारत माँ का, माँ आज वह पैरों में लौट रहा है। धरती के जैसे नर मन आज कुंठा से भर गया है। माँ, दुख से मन रो रहा है। जैसे तैसे रुलाई को रोक, होंठ कांप रहे हैं और बोल निकलते नहीं हैं। जब बहुत दर्द होता है तो आह नहीं निकलती, वह स्थिति हो गई है ग्रामवासियों की। इस प्रकार कविता का सारांश यहाँ पर पूर्ण होता है। और कविता की विशेषता है, कवि ने गांवों की दुर्दशा का वर्णन किया है कि जहाँ सब कुछ है किंतु कोई उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण वहाँ पर सुख के स्थान पर सुख के साधन दुख के कारण बन गए हैं। इस प्रकार कविता का सारांश विशेषता पूर्ण होते हैं। अब हम एक अंकीय प्रश्नों की ओर पढ़ते हैं। खेतों में क्या फैला है? श्यामल अंधेरा अंधकार, माँ का आंचल कैसा हो गया है? धूल भरा, गंगा यमुना का जल कैसा हो गया है? आंसू बन गए हैं। माँ की मिट्टी की प्रतिमा कैसी हो गई है? उदासीनी, वह अपने ही घर में क्या बन गए हैं? प्रवासिनी या मेहमान, कितने संतानों ने के तन पर कपड़ा नहीं है? 30 करोड़, माथे पर चमकने वाला स्वर्ण अब कहाँ चला गया है? पैरों में लौट रहा है। सहिष्णु मन कैसा हो गया है? कुंठित हो गया है। भारत माता कविता में कवि ने माँ के किस रूप को संबोधित किया है? ग्रामवासिनी। भारत माता कविता के कवि कौन है? कवि सुमित्रा नंदन पंत जी। अब हम सामग्री के अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जो है संदर्भ सहित व्याख्या। इसमें छात्रों एक सुझाव देना चाहूँगी, उत्तर लिखते समय आपको पूरी कविता लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार यहाँ संकेत रूप में कविता लिखी गई है उसी प्रकार आप लिखेंगे। प्रसंग है, यह पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य सृजन की कविता भारत माता से ली गई है, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं।
संदर्भ है, कवि ने माँ भारती के ग्रामवासिनी रूप को संबोधित करते हुए कहा है। व्याख्या है, कवि भारत माता के ग्रामवासिनी रूप को संबोधित किया है कि हे माँ, तुम्हें जिस पर नाज होता था कि तुम्हारा हरा भरा लहलहाता आंचल जो खेतों की हरियाली से भरा था, वह स्थान खेत आज अंधेरों में डूबे हैं। खेतों की हरियालियों हरियाली से लहलहाता तुम्हारा आंचल आज धूल से सना पड़ा है। गंगा यमुना में बहने वाला पानी तुम्हारे दुख के आंसू हैं। तो तकलीफों की कहानी कहते हैं, तुम्हारे प्राण जो भारत की मिट्टी में बसते थे, वह तुम्हारी प्रतिमा आज बहुत उदास है। विशेषता, कवि ने गांव की दुर्दशा का वर्णन किया है कि जहां सब कुछ है किंतु उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण वहां पर सुख के साधन दुख के कारण बन गए हैं। शब्दार्थ आप देख सकते हैं। अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं जो संकेत रूप में लिखा गया है, और प्रसंग एवं कवि परिचय पूर्ववत रहेंगे। संदर्भ है, गरीबी के कारण गाँव में अज्ञानता का अंधेरा फैला हुआ है। व्याख्या है, गरीबी के कारण गांवों का जीवन दारुण और दयनीय हो गया है। गरीब ग्रामवासियों की आंखें झुक गई है और भविष्य के अंधेरे के अपलक दुखी मन से देख रहे हैं। वे आज मानो अपने ही घर में मेहमान बन गए हैं। विशेषता है, गरीबी के कारण उनकी स्थिति दयनीय हो गई है और भविष्य के अंधेरों को भी समझ नहीं पा रहे हैं और दुखी हैं। शब्दार्थ आप देख सकते हैं। अब हम तीसरे पद की ओर बढ़ेंगे। प्रसंग कवि परिचय पूर्ववत रहेगा। संदर्भ है, भारत माता के तरुतल वासिनी को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, कवि की माता, आपका स्थान तो मिट्टी में है, आप तरु की जड़ों को मजबूत करती हो, किंतु आज उस स्थान में के मानवों का जीवन दुखी है। तकरीबन 30 करोड़ तुम्हारी संतानें अभाव के कारण नंगी हैं। ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं है, अभावों में अर्धविक्षिप्त हो गए हैं, अशिक्षा के कारण शोषण हो रहा है, गरीब हैं, असभ्य हैं और निर्धन भी हो गए हैं। माँ, तुम वृक्षों के शिखर पर बैठकर नाच करने वाली, आज तुम तरुतल में सिर झुकाकर खड़ी हो। माँ, परिस्थितियों को बदलना होगा। विशेषता है, और शिक्षा के कारण सारे कष्ट दुख झेलने के कारण भारत माता का सिर झुक गया है। शब्दार्थ आप देख सकते हैं। अब हम चौथे पद की ओर बढ़ते हैं जिसमें प्रसंग और कवि परिचय पूर्ववत रहेंगे। संदर्भ है, स्वर्ण मुकुट आज पैरों में लौट रहा है। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि गांवों खेतों खलिहानों फसलें भारत माता का स्वर्ण मुकुट होती थी। किंतु अज्ञानता और अशिक्षा के अभाव में वह मुकुट पैरों में लौट रहा है। धरती के जैसा कोमल मन आज कुंठाओं से भर गया है। तकलीफों से आज मन अंदर ही अंदर रो रहा है। होंठ कांप रहे हैं और होंठों पर दिखावटी मुस्कान सजी हुई है। अब हम विशेषता पढ़ते हैं। खेतों की पकी हुई पीली फसलें स्वर्ण मुकुट की भांति भारत माता के माथे पर चमकता था, किंतु आज वह पैरों में लौट रहा है। सब भीतर ही भीतर रो रहे हैं। इसके बाद आप शब्दार्थ देख सकते हैं। यहाँ पर चारों पदों की ससंदर्भ व्याख्या विशेषता शब्दार्थ पूर्ण होते हैं। अब हम अगले बिंदु टिप्पणी की ओर बढ़ते हैं। सो टिप्पणी लिखने का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। उदासीनी, प्रवासिनी, तरुतल वासिनी, ये तीन विषय दिए गए हैं। उदासीनी अगर आप लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए प्रारूप इस प्रकार रहेगा। यह शीर्षक हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य सृजन की कविता भारत माता से लिया गया है, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। इसका उत्तर लिखने के लिए पूर्ववत पेज नंबर 24 की व्याख्या को आप लिखेंगे, जो यहाँ पर दिया गया है। कवि भारत माता की ग्रामवासी रूप को संबोधित किया है कि हे माँ, तुम्हें जिस पर नाज होता था कि तुम्हारा हरा भरा लहलहाता आंचल
जो खेतों की हरियाली से भरा था, वह स्थान खेत आज अंधेरों में डूबे हैं। खेतों की हरियाली से लहलहाता तुम्हारा आंचल आज धूल से सना पड़ा है। गंगा यमुना में बहने वाला पानी तुम्हारे दुख के आंसू हैं। तो जो तकलीफ़ों की कहानी कहते हैं, तुम्हारे प्राण जो भारत की मिट्टी में बसते थे, वह तुम्हारी प्रतिमा आज बहुत उदास है। सो इस प्रकार आप टिप्पणी के प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। और अगले जो प्रश्न हैं, प्रवासिनी और तरुदलवासिनी, उसमें संकेत दिए गए हैं, आप उसी प्रकार संकेतों का अनुसरण करके उत्तर को पूरा लिख सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार पाठ्य सामग्री यहाँ पर पूर्ण होती है। वीडियो खत्म हो उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को इसका फ़ायदा मिले। और अगर आप कोई अन्य सामग्री चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।